हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे एग कीमा, जिसके लिए मैंने लिए थे 6 एग, जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। 2 टोमेटो ली हूँ जिसको मैंने कट कर लिए हैं। 4 बड़े साइज का ऑनियन लिए हैं, इसको अच्छे से फाइन चॉप कर ली हूँ। 4 चिली लिए हैं, ग्रीन चिली, और जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लेना, मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। अगर आप चाहो तो इसका पेस्ट बना लो, या तो आप भी ग्रेट करके डाल सकते हो। थोड़ी सी कोरिएंडर, स्टार्टिंग में फ्राई करने के लिए मैंने 4 रेड चिली लिया हुआ है, 8 ब्लैक पेपर, 1 तेज पत्ता, छोटी दालचीनी, और इस पे मैं डालूंगी जीरा। जीरा यहाँ पे रखी नहीं हूँ मैं, बट डालूंगी जीरा। इस पे ज्यादा मसाले नहीं डालते, थोड़े से ही मसाले में एग कीमा बन जाता है आसानी से। अब मैं डालूंगी इस पे ऑयल, ऑयल हो गया गरम, इस पे डालूंगी जीरा, ये मसाले। इस पे ज्यादा खड़ा मसाला नहीं डालता, कम ही मसाले में ये रेडी हो जाते हैं। ये हो गया फ्राई, अब इस पर डाल देती हूँ ऑनियन, इसको अच्छे से भूनना है। इसको अच्छे से मैं पूरा रेड होते तक अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब ये हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसको मैं सॉल्ट डाल दूंगी ताकि ये जल्दी से पानी छोड़ दे। हल्का ही डालूंगी, बाकी का मैं एग डालने के बाद डालूंगी। देखिए अच्छे से हो गया फ्राई, अब इसे स्टेज में मैं डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको भी फ्राई कर लूंगी। अब इसको डाल दूंगी मैं ग्रीन चिली, अब ये हो गया फ्राई अच्छे से। अब मैं इसमें टमाटो डाल दूंगी, टमाटो डालने के बाद जस्ट सॉल्ट डालें, क्योंकि उसके बाद टमाटो अच्छे से गल जाती है। अब इसको 4 से 5 मिनट में अच्छे से भून लूंगी। अगर आपकी टमाटो ना गले तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऐड करना। इससे आपके मसाले भी नहीं जलेंगे और टमेटो अच्छे से पक जाएगा। ये वीडियो रेडी, अभी स्टेज पे हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी हल्दी,
टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिल्ली है, अगर आप कोई स्पाइसी खाना पसंद हो तो आप स्पाइसी वाली चिल्ली डाल देना, थोड़ा सा गरम मसाला और एंड में डालेंगे कीमा मसाला। हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे। ये हो गया फ्राई, इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। धनिया पत्ती आप चाहो तो एंड में डाल दो, मैं ये इसी स्टेज पर डालती हूँ क्योंकि थोड़ी सी पक जाती है तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अब मैं इसमें एग डाल दूंगी, इसको थोड़ी देर चला के मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी, फिर इसे उबाल आने दूंगी। थोड़ा सा बॉईल होने दूंगी। ये देखिए ये हो गया अब रेडी, अभी ये थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। मैं अभी बंद कर दूंगी गैस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching guys. Bye.